ये आप देख सकते हैं। इस वक्त कोहे सुल्तान के पास है, कोहे सुल्तान जो कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़ है। और यहाँ के बारे में एक बड़ी मशहूर हकीकत वो ये है, ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, चश्मा, यहाँ के लोगों के बकौल ये पानी ज़मीन पर गिरने के बाद 2 से 3 मिनट में पत्थर बन जाता है। ये बने हुए पत्थर यही बने हुए ना, ये देख ये पत्थर, इस ये पानी निकल रहा है आपके सामने, ये हकीकत। सारा पत्थर बन रहा है, ये देख तमाम ये पानी खत्म किया। ये कुदरत का एक शाखा है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की कुदरत के शाखाओं में से एक शाखा है। ये देख सकते हैं आप, ये पानी निकल रहा है और ये पानी ज़मीन से कुदरती अमल तौर पर निकल रहा है इतिहाई प्रेशर के साथ, और ये नीचे गिरते ही पत्थर बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। जबकि चारों तरफ चटियल मैदान है, किस कहीं भी पानी का कोई तसव्वुर नहीं है, आप देख सकते हैं कहीं पानी का कोई तसव्वुर नहीं है। मीलों दूर तक सिर्फ सहरा है, रेतीला मैदान है। ये इस तरफ जो है ईरान है, ईरान बॉर्डर है अफगानिस्तान, और ये सो ये है कोहे सुल्तान पूरा, ये सारा कोहे सुल्तान है। इसके बैक साइड पे हमारे ये लड़के हमारे सब साथ ही खड़े हैं, क्या दिखा रहे? अच्छा, एक वो खुला हुआ है वो सामने। अच्छा, यहाँ जब जब माइनिंग की तब तब हर जगह से पानी निकला है। यहाँ के लोगों के मुताबिक जब इन्होंने यहाँ माइनिंग करना शुरू की है तो ज़मीन से इसकी प्रेशर का पानी निकला है, जो कि ज़मीन पे गिरते 2-3 मिनट के अंदर पत्थर बन जाता है। ये ओनेक्स की माइंस है इस जगह पर सब, ये ओनेक्स बिखरा भी पड़ा है सामने, ये सारा ओनेक्स है। ये हम 9 किलोमीटर से 30 किलोमीटर कोहे सुल्तान की तरफ है इस वक्त, ये ओनेक्स की तरह ज़मीन है, और ये जहाँ मशीन ने भी किया से ही बोले, और ये ज़मीन पे गिरते ही ये पत्थर गिरे। कहीं जमान भाई ने हमारी नायाब गौहर उठा लिया, हाँ बिल्कुल, उसको लेके चलेंगे, गौहर नायाब है ये, और भी जमा करो करो।